सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भावुक हो गए। शहीद महेंद्र कर्मा को याद करते हुए भावुक हुए। इसके अलावा भाजपा सरकार के दौरान अपने ऊपर हुए दुर्व्यवहार की बातें कहते कहते सीएम बघेल की आंखों से आंसू निकल गए। साथियों भगवान को हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा मूर्ति का अनावरण कर मल्यार्पण कर मुझे इन बच्चों को भोजन करने नहीं दिया। तुरंत जाइए हम उस दौर से गुजरे और ज्यादा जानकारी के लिए श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, संभागीय सम्मेलन का मौका था और सीएम भूपेश बघेल भावुक नजर आए। जगदलपुर में संभागीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, इसमें तो जो तमाम जो प्रदेश के मंत्री, विधायक और प्रदेश प्रभारी, स्वयं खुद मुख्यमंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री का जब संबोधन शुरू हुआ तो मुख्यमंत्री ने महेंद्र कर्मा को याद करते हुए भावुक हो गए और उन्होंने जो स्वर्गीय महेंद्र कर्मा के जो बलिदान दिए हैं इसको याद किया और कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने की बात की। साथ ही आज जो पूरे सातों जिलों के लगभग 2000 कार्यकर्ता सभा में मौजूद थे, मुख्यमंत्री ने उनको बस्तर के जो 12 सीटें हैं उसको जीत का मंत्र दिया और कहा कि दोबारा सरकार प्रदेश में बने, बस्तर में 12 सीटें दोबारा आए और यही सच्ची श्रद्धांजलि हमारे नेताओं की होगी। साथ ही तमाम जो आज जो ये सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन में जितने मंत्री थे, जितने विधायक थे, सभी ने एकजुटता की बात की, संकल्प लिया, कार्यकर्ताओं को बूथ मजबूत करने की बात कही और प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने के लिए तैयार रहने की बात कही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास। कांग्रेस के बस्तर सम्मेलन पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी ने कहा कि बस्तर से कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है, इसीलिए कांग्रेस घबराई हुई है। बस्तर में 2018 के परिणाम के विपरीत इस बार परिणाम होगा। पार्टी पहली बार ऐसा हो रहा है कि आगामी चुनाव को देखते हुए वो संभाग स्तर के सम्मेलन कर रही है। बस्तर, सरगुजा और पूरे छत्तीसगढ़ में उनकी स्थिति बहुत ही नाजुक है, खराब है। नेताओं से आग्रह है, मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि संभागीय सम्मेलन में कम से कम पीसीसी के अध्यक्ष के फोटो लगाने की अनुमति वहां के कार्यकर्ताओं को अवश्य देंगे। वहां के फोटो वोटो निकाल करके उनका बस्तर में कांग्रेस की हवा खिसक गई है और ये बात विदित हो रही है। इस बार कांग्रेस वहां जिस प्रकार से पिछले बार सीट उनको मिले थे, इस बार वो पराजित हो रही है और इससे कांग्रेस घबराई हुई है, इसलिए पूरे ताकत के साथ में बस्तर के दौरे पे गए हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, युवती का अश्लील वीडियो बनाया है आरोपी ने, दुष्कर्म का वीडियो बनाया, अश्लील वीडियो बनाया, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने राहुल पानेका को गिरफ्तार किया है, अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दे रहा था। तेलीबांधा थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, ट्रेडिंग ऑफिस में चोरी का ये मामला है। अशोका रतन स्थित ट्रेडिंग ऑफिस में चोरी हुई है, पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों को रायगढ़ से गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी चंद्रभूषण डंडसेन अब भी फरार बताया जा रहा है। मामले में अब भी 3 आरोपी फरार है। आरोपी के पास से 14 लाख रूपये बरामद किए गए, 3 लैपटॉप, 1 कट्टा, 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। पंडरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, रायपुर से ये बड़ी खबर है, जहां पर ट्रेडिंग ऑफिस में चोरी का ये मामला है।
पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ उनसे जारी है। आरोपियों के पास से 14 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। 3 लैपटॉप, 1 कट्टा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। पंडरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। मामले में अब भी 3 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, ट्रेडिंग ऑफिस में चोरी के मामले में 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जी देखिए, ट्रेडिंग ऑफिस में वहीं के काम करने वाला एक चिंटू था, अपने अन्य लगभग 12 साथियों के साथ चोरी की घटना को अंजाम दिया। उसके बाद सभी साथी के साथ वो फरार हो गया था। सभी जो उनके जो साथी थे योजनाबद्ध तरीके से चोरी की घटना को अंजाम दिए थे, और जिसमें से 14 लाख रुपए, 2 जिंदा कारतूस और 1 देशी कट्टा को पुलिस ने बरामद किया है। और चोरी के जो रकम है 14 लाख रुपया, उसे भी रिकवर किया है, और लैपटॉप को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। और पुलिस और भी जो फरार आरोपी है, मुख्य आरोपी चिंटू अभी वो फरार है, जिसकी तलाश में जुटी हुई है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल। रायगढ़ में चल रहे राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आज दूसरा दिन है। महोत्सव के दूसरे दिन भी कई राज्यों के रामायण दलों ने प्रस्तुति दी है। आज झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, ओडिशा, हिमाचल, गोवा, छत्तीसगढ़ के रामायण दल अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। इन राज्यों के बीच रामायण प्रतियोगिता होगी। आज भजन गायक कंसराज रघुवंशी और लखबीर सिंह लखा भजन पेश करेंगे। सिया राम मैं जान, सिया राम मैं जान, करत हूं सबके मैं पद बंदन, प्यारे के ते लाज बचा ले, हे कौशल्यानंदन। अभी आप नवधा भक्ति के भावपूर्ण प्रस्तुति, सुंदर झांकी के माध्यम से देखे हो, सुने हो। आओ यही प्रसंग में, ये प्रसंग की कुछ गूढ़ तत्व, ये प्रसंग हमला का संदेश देते, एक और ऊपर थोड़ा सा हम चिंतन करन, विचार करन, मनन करन। भगवान राम हा मात